आखिर शेयर बाजार के अंदर में ऐसा डर क्यों है? यानी कि मैंने आपसे सुना और मैंने ट्रेड लिया। क्या मैंने अपनी रिसर्च करी? बहुत सारा इतिहास अगर हम उठा करके देखें, सर मेहता का इतिहास, फिर बोरिस बैंक का इतिहास, सट्टा कर रहा हूँ यहाँ पे जो कि अधिकतर लोग करते हैं जी। एक ग्रे मार्केट है जी, बहुत बड़ा ग्रे मार्केट है, जो मार्केट मूवर्स हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, जो मार्केट को चला सकते हैं, जिनके पास इतना पर्याप्त धन है कि वो मार्केट को हिला सकते हैं, हम उनकी पोजीशन को क्यों नहीं फॉलो कर रहे? कुछ पाने के इंतजार में सब कुछ खो देते हैं। उस शेयर बाजार में बड़े बड़े शेयर भी रो देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शेयर बाजार की। कोरोना के बाद से हमने देखा है जैसे शेयर बाजार के अंदर एक बूम सा आ गया। हर छोटे बड़े सोशल मीडिया नेटवर्क के ऊपर हम बड़ी बड़ी ट्रेडिंग कॉल्स की टिप्स देने वालों की एक भरमार देख रहे हैं। लोग शेयर बाजार के अंदर में रातों रात अमीर होने के चक्कर में लगातार उसमें सब कुछ अपना गवाते भी नजर आ रहे हैं। पिछले 3 से 4 साल के बीच के अंदर शेयर बाजार की हिस्ट्री के अंदर में जो तेजी देखने को मिली एक बड़ी गिरावट के बाद में, आगे उसका क्या नजरिया रहेगा? क्या वाकई में शेयर बाजार एक ऐसा चमत्कारी टूल है, एक ऐसा चमत्कारी शस्त्र है जिससे कोई भी रातों रात अमीर हो सकता है, करोड़पति हो सकता है? क्या है शेयर बाजार के अंदर की इनसाइडर स्टोरी, ये हम जानेंगे। हमारे साथ आज इस पॉडकास्ट में खास शख्सियत दीपक वाधवा जी मौजूद हैं, जो पहले अपने हाथ जला चुके, लेकिन कहते हैं ना, शेयर बाजार में केवल वही आ सकता है जिसके पास 3 मुख्य चीजें हैं। वो 3 मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? जिसके पास नजर है, जिसके पास जिगर है और जिसके पास सबर है। अगर आपके पास में ये 3 चीजें हैं तो शेयर बाजार को भी जीता जा सकता है। दीपक जी, स्वागत है आपका। दीपक जी, द पॉइंट ऑफ व्यू, लेट अस टॉक एवरीथिंग जी। यहां कुछ भी फॉर्मल नहीं है, बिल्कुल प्योर है। हम एक कोशिश करने जा रहे हैं कि जो इनसाइडर्स हैं, यानी कि छुपे हुए जो रहस्य हैं जी जी, उनको हम जाने और जनता इससे रूबरू हो कि भाई आखिर शेयर बाजार के अंदर में ऐसा डर क्यों है? क्योंकि हमने बहुत सारा इतिहास अगर हम उठा करके देखें, केतन पारिक का इतिहास, फिर हर्षद मेहता का इतिहास, फिर बोरिस बैंक का इतिहास, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि शेयर बाजार के अंदर अगर आप जाओगे तो जले बिना नहीं रहोगे जी। कितनी बड़ी सच्चाई। देखिए क्या होता है कि पहले थोड़ा सा आप ये समझिए कि शेयर बाजार है क्या जी। इसको पहले तो अपने को देखने का नजरिया चेंज करना पड़ेगा। जब आप किसी शेयर को खरीदते हैं तो आप उसे ये ना खरीदें कि मैं सट्टा कर रहा हूं यहाँ पे, जो कि अधिकतर लोग करते हैं जी। शेयर में जब आप कोई शेयर खरीदते हैं, आज मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, तो वो शेयर खरीदना मात्र शेयर खरीदना नहीं है, आपने एक हिस्सेदारी खरीदी है उस कंपनी में, ठीक है ना? तो आप भी अब उस कंपनी का हिस्सा हैं, आप पार्टनर हैं उस कंपनी में। ये मतलब है शेयर मार्केट में शेयर खरीदने का। यानी कि अगर मैं एक शेयर खरीदता हूं तो मेरा उस कंपनी में क्या शेयर है? वो शेयर मेरा एक शेयर है जी। तो इस शेयर मार्केट को अब तक चाहे आप किसी पंडित पे चले जाएं, चाहे आप बूढ़े बुजुर्गों से बात कर लें, घर में बात कर लें, तो सब लोग यही कहते हैं तो जुआ सट्टा है। बिल्कुल। और इसको उसी नजरिए से देखा भी जाता है। बिल्कुल। अब जुआ सट्टा इसे क्यों कहते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग ना इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर नहीं है या इन्फॉर्म्ड ट्रेडर नहीं है। आप अधिकतम लोगों को ये सुनेंगे कि वो बिल्कुल पीक पे घुसे और बाजार वहां से नीचे आ गया। जब बाजार नीचे था तब क्यों नहीं घुसा? तब किसी ने राइट टाइम पे राइट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करी? क्योंकि हमारे आसपास में एक माहौल ऐसा बनाया जाता है कि हम लोग घुसते ही तब हैं जब बिल्कुल पीक होती है उस चीज की। अब इसमें मैं कहूं कि कुछ भेड़चाल गए, भेड़चाल भी कह सकते हैं, उसका एक बहुत वो है
कि जब कोई शेयर 100 रुपए का था तो उसमें कोई नहीं घुसा, क्योंकि तब लोगों को लग रहा था ये तो 80 आ जाएगा। लेकिन जब वो 200 का हो गया, 250 का हो गया, 300 हो गया, 350, 400, 500 पहुंच गया, अब क्या है उसकी न्यूज चल रही है, वो अखबार में भी आ रहा है, आप 2-4 लोगों से मिलेंगे तो वो भी उसकी बात करेगा, चर्चा करेगा, तो अब आप बिल्कुल पीक पे घुस रहे हैं, जहां उसका जिन लोगों ने 100 पे बेचा है, वो खरीदा है, उन लोगों का निकलने का टाइम है जी। तो आप उसमें घुस गए, वो निकल गए, अब क्या हुआ, अब आप में सब्र नहीं है, आप 500 से वो 300 आया, आप लॉस लेके सोच रहे हैं कि निकल जाऊं, क्यों, क्या वो कंपनी खत्म हो गई, आप वेट करिए, हो सकता है वो 300 से 800 चला जाए, और ऐसा होता है। तो सबसे बड़ी क्या चीज है कि आपने बोरोड कन्विक्शन पे ट्रेड लिया, यानी कि मैंने आपसे सुना और मैंने ट्रेड लिया। क्या मैंने अपनी रिसर्च करी, क्या मैंने ये देखा कि ये कंपनी ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है, ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट है, क्या प्रमोटर अपनी इक्विटी बेच रहा है या खरीद रहा है। अगर प्रमोटर ही अपनी इक्विटी खरीद रहा है, यानी कि उसे विश्वास है कि मेरी कंपनी और जगह से बेटर है, तो मैं पैसा अपनी कंपनी में ही लगाऊं। अगर उसकी मान लीजिए इक्विटी 50% है और वो 50 बेच के उसने 10% इक्विटी बेच दी अपनी, अब आप ये देखिए कि उसने वो 10% बेच के क्या कंपनी में ही पैसा लगाया, या उसने कुछ और उस पैसे को निकाल के अपनी निजी जरूरतों को पूरा किया। तो ये सारे फंडामेंटल कहलाते हैं, यानी एक किस्म से आप रिसर्च की बात कर रहे हैं कि मैं रिसर्च की बात कर रहा हूं कि किसी भी आदमी को अगर स्टॉक मार्केट में चाहे 1 रुपया लगाना हो या 100 रुपए लगाने हो, वो रिसर्च करे। अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा उदाहरण देता हूं, मेरे पास बहुत सारे लोग सीखने आते हैं और अधिकतर वो लोग होते हैं जो मेरे से ये कहते हैं कि मैं यस बैंक में 400 से फंसा हुआ हूं या मैं किसी शेयर में 1000 से फंसा हुआ हूं, वो 2-5 रुपए का है। तो मैं अपनी टेबल पे एक सेब की टोकरी रखता हूं और मैं कहता हूं जिसमें 5-7 सेब होते हैं, और मैं सबसे कहता हूं ये 10,000 की सेब की टोकरी है, आप लोग खरीद लो। तब वहां सबको अकल आ जाती है कि नहीं ये 10,000 महंगे हैं, क्योंकि ये तो मुश्किल से 200 रुपए के हैं। तो कुल मिला के समझने वाली बात क्या है कि लोग सब्जी लेने जाते हैं, वो 30-50 रुपए की चीज के लिए बार्गेन कर लेते हैं, लेकिन जब शेयर मार्केट में जाते हैं तो 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का भी लॉस ले लेते हैं, और उन्हें ये नहीं लगता कि इस पे भी कुछ बार्गेन कर लें। और वो बार्गेन क्या है कि हमें थोड़ा सा सीख लें। अगर खुद नहीं सीख सकते तो आजकल सेबी ने एक सुविधा दी है, सेबी के जो सेबी रिसर्च और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो कि अपनी एक रिपोर्ट जारी करते हैं, जो कि सेबी भी उसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ जी ये हमारे रजिस्टर्ड उसने करी है तो ये ठीक है। आपने जो भी बात की सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट्स की, तो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट अभी हाल के अंदर में तकरीबन 8 सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट थे, उनके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई हुई, उनको बैन किया गया, इसको फिर किस नजर से समझा जाए, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड अगर एनालिस्ट ही मार्केट को अगर मैन्युपुलेट कर रहे हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए अगर कुछ स्क्रिप्ट्स के ऊपर पे खेल रहे हैं, तो इसको क्या समझा जाए, फिर तो यह माना जाए कि शेयर बाजार के अंदर में सब कुछ हो सकता है। मैं सुरेश जी आपको करेक्ट कर देता हूं थोड़ा सा जी, जिन एनालिस्ट की आप बात कर रहे हैं वो एक्चुअली वो एनालिस्ट हैं जो टीवी पे आते हैं, लेकिन देखिए टीवी पर जो आ रहे हैं, एक सेकंड मैं बताता हूं। मान लीजिए आप एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हैं, तो आपके पास कितने लोग हैं मार्केट के, मुश्किल से 100, 200, 500 या 1000। तो 1000 लोगों के समूह में आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, राइट। जो टीवी पे आ रहा है उसके पास 130 करोड़ जनता है, उसमें से मैनिपुलेशन की संभावना बहुत ज्यादा है, राइट। तो जब आप किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट का चयन करें तो ये देख लें कि उसकी पॉपुलैरिटी टीवी तक है या नहीं है, ठीक है। अगर टीवी तक है तो थोड़ा सा आप सतर्क हो जाएं और देखें कि क्या वो जो स्टॉक बता रहा है उसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी है। देखिए 100% गारंटी तो सेबी भी ये थोड़ी कहता है कि जो हमारे एनालिस्ट ने रजिस्टर्ड एनालिस्ट ने कह दिया वो 100% ठीक होगा, लेकिन जो एनालिस्ट आपको रिपोर्ट बना के देगा वो रिपोर्ट में फंडामेंटल टेक्निकल हर तरीके की जो जांच है अपनी या जो रिसर्च है वो लिखेगा जी, और उसमें एक स्टॉप लॉस भी देगा। हाँ ठीक है। देखिए अक्सर लोगों का जो लॉस का कारण होता है कि 1 लाख लगाया वो 0 तक बैठे वेट कर रहे हैं, या मान लीजिए हम यस बैंक की बात करें तो 400 वाला शेयर जब 300 आया तो आपको नहीं दिखा,
दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम विद द फंडामेंटल ऑफ द कंपनी, तभी वो गिरा। वोडाफोन अगर गिरता आ रहा है या कोई भी जो स्टॉक कंपनियां जो 1000-1200 पे थी और अब वो 2-5-10 रुपए पे आ गई है, जैसे सुजलॉन भी है उसमें। जी जी जी। तो जब कोई कंपनी में फंडामेंटल प्रॉब्लम होती है तो एक टीवी में भी आती है, हर तरह के न्यूज में भी आती है, तो बेटर है कि आप अपना एक छोटा सा लॉस लेके निकल जाएं। दूसरा क्या, एक पोर्टफोलियो बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अगर मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं तो मैं किसी भी स्क्रिप्ट में 10,000 या 8,000 से ज्यादा नहीं लगाऊंगा। अब अगर इसका भी सिद्धांत है, क्यों ऐसा है, हम मान के चलते हैं कि जो हमारे स्टॉक हैं वो हमें, क्योंकि निफ्टी हमारी 14-15% CAGR से बढ़ती है, तो हम मान के चलते हैं हमारे स्टॉक भी उसी दर से बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने 1,00,000 को 10 भाग में बांट दिया और 1 भाग आपका जीरो हो गया, किसी वजह से आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, वो जीरो हो गया, तो जो बाकी 90% आपकी वो है, वो अगर 14% बढ़ेगी तो वो आपका लॉस कवर करके आप फिर भी 1 साल बाद अपनी एटलीस्ट कैपिटल से कुछ ऊपर या कैपिटल पे बैठे होंगे। जी ठीक है। एक अंग्रेजों में भी कहावत है ना, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। बास्केट तो ये बास्केट जो आप बनाते हैं, अब किसी आदमी ने गलती क्या करी, उस पे था ही 1,00,000 रुपया और उसने पूरा का पूरा एक स्टॉक में डाल दिया, उसमें अगर 10% का लॉस आ गया तो वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। तो फिर जैसे मैंने शुरू किया कि अनइन्फॉर्म्ड अनएजुकेटेड इन्वेस्टर, आप वैसे MBA पढ़े हुए हैं, वैसे आप इंजीनियर हैं, वैसे डॉक्टर हैं, वैसे अपनी फील्ड में माहिर हैं, लेकिन आप स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहे हैं वहां पे आपने एजुकेशन नहीं ली, वहां आपने सीखने की कोशिश नहीं की, जबकि पैसा ही सबसे ज्यादा अहम है आज। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप शेयर बाजार में क्यों हो, और अगर आपको यही नहीं पता कि आप शेयर बाजार में क्यों हो तो फिर तो रिस्क ही रिस्क है। और अगर आपको ये पता है कि शेयर बाजार में आप इस पर्टिकुलर पर्पस की वजह से हो, भाई टू अर्न मनी, तो मनी को अर्न करने के लिए उसके पीछे कि आपने अगर जो भी फंडामेंटल्स हैं उनको अगर आपने फुलफिल कर दिया तो निश्चित तौर के ऊपर वहां पे आपका। देखिए मैं हर बार ये कहता हूं कि एक डॉक्टर है वो 10 साल अपनी जीवन के लगाता है, फिर वो एक क्लिनिक खोलता है, और हमें अगर अपने बच्चे को या खुद दिखाना है तो हम कहेंगे नया डॉक्टर है, चलो किसी एक्सपीरियंस वाले पे चलते हैं, जबकि 10 साल एक्सपीरियंस है उसे, वो अपने जीवन के 10 साल दे के आया है। राइट। ऐसे ही कोई वकील हो तो आप कहेंगे कि एक ये बच्चा वकील है और एक ये बड़ा है, तो आप कहोगे एक्सपीरियंस वाले पे जाता हूं मैं। यानी कि 10-15 साल 20 साल आप चाहते हो कि उस आदमी का एक्सपीरियंस हो तो मैं उससे अपना इलाज कराऊं या अपना केस रेफर करूं या अपनी अकाउंट भरवाऊं। तो स्टॉक मार्केट में आप कैसे सोचते हो कि मैं सुबह 9 बजे आया, 9:30 बजे मैंने ट्रेड लिया, 11 बजे तक मुझे लॉस हुआ, मैं इंट्राडे से पोजिशनल ट्रेडर बन गया, 2 बजे मैंने डिसाइड कर लिया ये मार्केट मेरे लिए नहीं है, 3 बजे तक मैं लॉस लेके बाहर भी आ गया। और आप काम क्या कर रहे हैं, आप एक उस कंपनी में निवेश कर रहे हैं जो 1,00,000 करोड़ की या 50,000 करोड़ की कंपनी है। तो आप देखिए तो सही आप कर क्या रहे हैं, क्या आपने उस कंपनी का प्रोडक्ट स्टडी किया, क्या आपने ये देखने की कोशिश की कि प्रमोटर का क्या आगे विजन है, पिछली बैलेंस शीट में उसने क्या बोला है, क्या उसके एक्सपेंशन प्लान है, क्या वो कैपेक्स कर रहा है। राइट। तो ये सब चीजें जब लोग अवेयरनेस नहीं करते तो इसलिए लॉस होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि गालिब धूल रिसर्च पर थी, ना पोर्टफोलियो साफ खराब हो गया। जी ठीक है। तो आपकी जो जर्नी है, जी जी, आपने शेयर मार्केट में छलांग क्यों लगाई, कब लगाई, कैसे लगाई? देखिए जी, मैं पहले एक बिजनेस करता था, ये बात मैं कई पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, तो जर्नी मेरी तो बहुत लंबी हो जाएगी, पता लगा ये पॉडकास्ट पूरा उसमें ही खत्म हो गया जी। तो इसे कट शॉर्ट करते हैं कि मैं पहले बिजनेस करता था, फिर मैंने 2-3 बिजनेसेस करने की कोशिश करी, उसमें मैं नाकामयाब रहा। तो मुझे किसी से उड़ती उड़ती ऐसे पता लगी कि भाई स्टॉक मार्केट तो खैर मैं बहुत 1995 से ही कर रहा था, लेकिन ऑप्शंस के बारे में पता लगा। तो मुझे लगा मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूं और भाई मेरे पास पैसे ठीक ठाक थे तो मुझे लगा मैं अच्छा पैसा कमा सकूंगा। लेकिन वो धीरे धीरे करके लॉस होता गया, लॉस इतना हो गया कि मैं डिप्रेशन तक पहुंच गया। लेकिन मैंने ना अपने आप से ये एक सवाल मुझे हर वक्त झंझोड़ता रहा कि भाई मेरा लॉस क्यों हो रहा है, अगर मैं लॉस में हूं तो मेरा ये पैसा किसके पास जा रहा है। क्योंकि एफ एंड ओ जो होता है वो एक जीरो सम गेम होता है। जीरो सम गेम का मतलब ये होता है
कि जो पैसा आपका है वो मेरे पास आ गया, मेरा किसी पे चला गया, किसी का किसी पे चला गया, और ये पैसा यहीं इसी बाजार में घूम के सबका पैसा किसी एक दो दस लोगों के पास चला गया। जो लॉस वाले हैं उनका चला गया, जो प्रॉफिट वाले हैं उनके पास आ गया। तो मैं यही सोचता रहता था, भाई मैं इस प्रॉफिट वाले लीग में क्यों नहीं हूं, व्हाई आई एम नॉट देयर। भाई उनके भी सींग तो लगे नहीं है। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि सिर्फ वो आदमी इस लीग में आ सकता है जो बाजार के नब्ज के साथ चले। आप मेरे से पूछें कि 10 दिन आगे का क्या वो है, मुझे नहीं पता। मेरे को ये पता है कि अगर बाजार इस लेवल से नीचे आएगा तो मैं सेल करूंगा, इस लेवल से ऊपर जाएगा मैं बाय करूंगा, और ये अगर 50 दफा होगा मैं 50 दफा अपना एक्शन चेंज करूंगा। मैं कोई धारणा लेके नहीं बैठ जाऊंगा कि भाई मैंने कोई चीज 1000 की ली है तो ये तो 5000 होगी, 5000 होगी, राइट। 1000 पे ली, 950 आई, मैं निकल गया लॉस लेके, 950 पे मैं सेल करके बैठ गया, वो 800 आया मैंने कवर कर लिया, मेरा लॉस कवर हो गया। इस उम्मीद में मैं नहीं बैठता। इसी को बोलते हैं स्टॉक मार्केट डिसिप्लिन एंड स्टॉप लॉस। मैं इस उम्मीद में नहीं बैठता कि मेरा जो ट्रेड है वो सही हो जाएगा। इस बाजार में सिर्फ वही आदमी कामयाब है जो बहुत जल्दी बाजार के आगे हाथ जोड़ ले और कह दे ठीक है प्रभु, आप बड़े मैं छोटा, मैं हारा, आपने मेरे को लॉस दिया, मैंने लॉस लिया, अब मैंने नई पोजीशन बनाई, अब दोबारा लॉस आएगा मैं दोबारा भी ले लूंगा, लेकिन बार बार तो बाजार भी लॉस नहीं देगा ना आपको। बाजार से जिद नहीं करनी, जिद नहीं करनी है। आपने एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग कही कि भाई आप उस लीग में क्यों नहीं हो, जी जीतने वालों की लीग में क्यों नहीं हो। सेबी कहती है कि शेयर बाजार के अंदर में हर 10 में से 9 लोग लॉस में है, 9 लोग लॉस में है, जी। तो वो 9 लोग जो लॉस में है वो क्यों लॉस में है, एक बात। दूसरी बात, जब सबको ये पता है कि यार शेयर बाजार के अंदर में हर 10 में से 9 को नुकसान होगा, तो फिर नया ट्रेडर इसके अंदर में क्यों आए, जी। देखिए क्या होता है सुरेश जी, कि ग्रीड एक ऐसी चीज है जो कभी आदमी की खत्म नहीं होती। नशा एक ऐसी चीज है जो आदमी, हर आदमी को पता है, जब हम छोटे होते हैं, जब तक अपने माँ बाप के कंट्रोल में होते हैं, हमारे माँ बाप कहते हैं भी सिगरेट बीड़ी पान शराब तंबाकू से दूर रहिए। चाहे बाप खुद सिगरेट पीता हो लेकिन वो अपने बच्चे को कभी नहीं चाहेगा कि वो पिए, क्योंकि गलत है। सिगरेट की डिब्बिया पे भी लिखा रहता है ये बात, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें उसमें एक थ्रिल मिलने लगता है, किक मिलती है, एक नशा होता है, एक मजा आता है। स्टॉक मार्केट भी एक नशा है, लोग जुआ क्यों खेलते हैं, लोग कैसीनो क्यों जाते हैं, यही वजह है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि एक आदमी ट्रेड लेता है, अगर उसके 2-4-10 ट्रेड भी सही हो गए 100 में से, तो वो ये कहता है जब मेरे 10 ट्रेड सही हो गए तो मेरे 100 के 100 भी सही होंगे। तो उस एंटीसिपेशन में, उस गहराई में घुसता चला जाता है। जबकि मैं ये कहता हूं कि आपने एक ट्रेड लिया, उसके साथ हेज ले लिया, आप उसे जाने दो जहां तक जा रहा है, आपको ना लॉस लेना है ना कुछ लेना है, और हेज लेके बैठे रहो, बाजार जीरो भी होगा तो आपका लॉस फिक्स है, और वो कभी तो ऊपर आएगा तो आप तब निकल जाना, जैसे मैं करता हूं। तो हेज करके चलना, थोड़ी सी एजुकेशन लेके चलना, थोड़ा सा सीख के चलना, लॉस को सीमित करके चलना, जिस दिन आप ये सब चीजें सीख जाएंगे बाजार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने कहां से सीखा? देखिए जी, मैंने बहुत सारे लोगों से सीखा, लेकिन मेरे सीखने में क्या था कि मैं बहुत जुझारू था। आप यकीन नहीं मानेंगे सुरेश जी, मेरे पास मतलब मेरे साथ ये स्थिति थी, क्योंकि मैं बहुत लॉस में था और मैंने ये सोच लिया था कि मुझे तो पैसा कमाना है, मैं तो आया ही पैसा कमाने हूं। तो मुझे किसी ने कहा ना कि मैं गाजियाबाद रहता हूँ, नोएडा में मेरा ऑफिस है, आपको पता ही है। तो किसी ने कहा ना जी आप चेन्नई चले जाओ, वहां कोई आदमी है सिखाता, मैं चेन्नई चला गया। किसी ने कहा पुणे चले जाओ, मैं पुणे चला गया। किसी ने कहा बॉम्बे चले जाओ, मैं बॉम्बे चला गया। किसी ने कहा गुजरात चले जाओ, मैं गुजरात चला गया। किसी ने कहा आगरा चले जाओ, मैं आगरा चला गया। आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम नहीं तो 100 से ज्यादा लोगों से मैंने सीखा है। अच्छा, नर्सरी से लेके मेरी एमबीए तक, अब तो खैर मैं डॉक्टरेट भी हो गया, मेरी वहां तक की अगर मैं फीस कैलकुलेट करूं वो 8-10 लाख होगी। तो ये शेयर मार्केट सीखने में मैंने कम से कम 15-20 लाख रुपए लगा दिए होंगे। अच्छा जी, लेकिन उस वक्त मैं सबसे ये कहता था कि भैया इसने नहीं सिखाया, इसने नहीं सिखाया, इसने नहीं सिखाया, इसने नहीं सिखाया, क्योंकि किसी ने मुझे A to B सिखाया, किसी ने B to D सिखाया, किसी ने ऐसे सिखाया, किसी ने ऐसे। लेकिन अब मैं जब, क्योंकि सबका सीख गया हूं, तो मेरे वर्णमाला खुद बना लेता हूं।
प्रॉब्लम क्या है कि कोई भी आदमी आपको पूरा तो सिखा नहीं सकता, मार्केट इतना गहरा है, इतना बड़ा है, अपना अलग अलग, कोई आदमी किसी चीज पे ट्रेड करता है, कोई किसी पे, और हर आदमी के हर लेवल पे ना दो व्यूज होते हैं, या तो बढ़ेगा या घटेगा। इसीलिए क्या है, जब आप कोई शेयर बेच रहे हैं तो कोई खरीद रहा है, आप खरीद रहे हैं तो कोई बेच रहा है, तो अगर 100 पे आप खरीद रहे हैं तो जो बेच रहा है उसका व्यू ये है कि अब यहां से ये नीचे जाएगा तो मैं नीचे दोबारा खरीद लूंगा, आप 100 पे खरीद रहे हैं इसका मतलब है कि आपको लग रहा है 120 जाएगा, तभी तो आप खरीद रहे हैं, लॉस लेने के लिए तो आप नहीं खरीद रहे। तो ये व्यू हर वक्त बाजार में प्लस और माइनस का चलता रहा है, चलता रहेगा और चलेगा, इसी से ही बाजार चलता है। तो आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए बुक्स हैं, यूट्यूब है, टीचर है सिखाने वाले, इंस्टीट्यूट है, यानी आपकी मैं समझू कि सेल्फ लर्निंग इसके बीच में, सेल्फ लर्निंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ना ये चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि अगर स्टॉक इतना बढ़ रहा है या इंडेक्स इतना बढ़ रहा है तो ऑप्शन का बिहेवियर ये होगा, क्योंकि ऑप्शन बिहेवियर किसी किताब को पढ़ के आप नहीं सीख सकते, ऑप्शन बिहेवियर को आपको दिमाग में ही एक पिक्चर बनानी पड़ेगी कि भाई मैंने ये पोजिशन ली है, अब ऐसा होगा तो ये मेरे साथ ये होगा, ये चीज आपको पहले पता होगी। तो जब आपकी लाइफ के अंदर में ट्रांजिशन आया कि भाई आपका बिजनेस अदर बिजनेसेस थे, अदर बिजनेसेस से आप चले, आप इक्विटी मार्केट में आ गए, इक्विटी मार्केट में भी आपने पर्टिकुलरली ऑप्शंस ऑप्ट किया, वो सेगमेंट ऑप्शन जिसके अंदर में काफी रिस्क है जी, ऑप्शन में मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी बहुत बड़ी पूंजी जो है वो लूज की है। सुरेश जी, मैं ऐसे ऐसे ट्रेडर्स को जानता हूं जो पहले, अभी मेरे पास अभी रिसेंट एक मैं व्हाट्सएप आपको दिखा सकता हूं, अभी 5-6 दिन पहले का ही, एक आदमी मुझे लिख रहा है कि पहले सर मैंने अपनी दुकान बेच दी, अच्छा, फिर मैंने अपना खेत बेच दिया, फिर मैंने अपनी घर भी बेच दिया, अब सर मेरे पास 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए पड़े हैं, आप मुझे कोई 2-2.5 करोड़, जो 10 करोड़ मेरा नुकसान हो गया, रिकवर करा दो। तो लोगों के अंदर इतना बड़ा क्या नशा है मुझे आज तक नहीं समझ में आया। सेकेंडली, जब आपका एक बार नुकसान हो गया तो भाई वहीं आपने ब्रेक लगा के क्यों नहीं दोबारा सीखने की कोशिश करी, कोशिश की, ठीक है, बिल्कुल भाई, आज आपको पता लग गया कि मैंने आपके पैसे मार लिए तो अगली बार आप नहीं देते ना मुझे, बिल्कुल, तो क्यों लोग बार बार स्टॉक मार्केट में पैसा दे रहे हैं, क्योंकि खींचता है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। वो अट्रैक्शन क्या है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक आध बार जीत चुके हैं तो आपको लग रहा है आप तो पैसा दोबारा बना लेंगे, बस यही है। अब एक चीज और, क्योंकि कहते हैं ना कि भाई जिसने हार देखी हो जीत का रास्ता भी वही बता सकता है, क्योंकि उसी को मालूम है कि हार का रास्ता कौन सा है और जीत का रास्ता कौन सा है जी। तो जो जीत का रास्ता है, जो आपने हारने के बाद में, मैं ये कहूंगा कि सीखा, और उसके बाद में उस रास्ते को आपने देखा, और इसीलिए बहुत सारे लोग आज आपके पास में आते हैं, पूछते हैं, मेरा आपसे यहाँ पे सवाल सीधा ये है, क्या आपको ये लगता है कि ये मार्केट में ना फंडामेंटल काम करता और ना ही टेक्निकल काम करता, समहाउ समवेयर गेम कोई और ऑपरेट कर रहा है, डिजाइन किसी ने तैयार कर लिया और उस डिजाइन के हिसाब से, जैसे हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं न्यूज के अंदर भी हम ये चलन देखते हैं कि एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, क्या आपको लगता है कि शेयर बाजार में भी कुछ पहले ऐसा नैरेटिव सेट किया जाता है, और जो उस नैरेटिव को बनाने वाला है, क्रिएटर है, वो जब समय आता है तो वहां से फिर वो एग्जिट मार करता है। देखिए, ये सब बातें सुनी मैंने भी है, लेकिन मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूं इस पे कुछ कमेंट करने के लिए, क्योंकि जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं चीज को, एक्सपीरियंस किया कभी? सर देखिए क्या है, ये बात तो हर बिजनेस में लागू होती है, अगर शेयर मार्केट में भी हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज फर्ज कीजिए कि आप एक दुकान खोलते हैं किसी बाजार में, लेट से आपने कपड़े की दुकान खोली, आपके पास 1 करोड़ था, आपने 1 करोड़ से खोली, कोई आपके पड़ोस में आया उसके पास 10 करोड़ थे, तो वो आपसे सस्ता भी बेच लेगा, स्कीम भी ले आएगा, आप ही के वेंडर से आपसे सस्ता ले लेगा, क्योंकि उसके पास पैसे की ताकत है। तो मैं तो जी देखिए बिजनेस बैकग्राउंड से आया हूँ, 22 साल 20 साल मैंने बिजनेस किया है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो मार्केट को चलाने की शक्ति रखता है,
वो ऑपरेट कर रहा है या नैरेटिव सेट कर रहा है, मैं ये आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, लेकिन हाँ यदि मेरे पास किसी दिन 2,000-5,000 करोड़ रुपया होगा और मैं बाइंग या सेलिंग पे आऊंगा, तो जब मैं इतनी ह्यूज सेलिंग करूंगा या इतनी ह्यूज बाइंग करूंगा तो 100-200 पॉइंट बैंक निफ्टी को या कोई छोटा मोटा स्टॉक होगा मैं उसको हिला सकता हूँ, वो पैसे की ताकत है। यानी मनी ड्राइव करता है मनी, बिल्कुल जी। आज देखिए बाजार क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का ही तो गेम है जी। अगर मान लीजिए किसी के पास 1,000 करोड़ रुपया है और वो कोई छोटी कंपनी जिसकी की मार्केट कैप ही 1,000 करोड़ है, उसको खरीदना शुरू कर दे तो वो तो सर्किट पे सर्किट लगाता चला जाएगा। अब आप इसे क्या कहेंगे, वो ऑपरेट कर रहा है या वो अपनी मनपसंद चीज को खरीद रहा है? वो मनपसंद चीज डेफिनेटली होगा, बिना फंडामेंटल क्या है और उसका उस बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। और एक अगर शॉर्ट टर्म गेम प्लान करके आया है, ऐसा है। अब इस पे मैंने फिर वही कहा कि सुरेश जी, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, शायद ऐसा होता हो शायद नहीं होता हो, मैं नहीं इस पे कमेंट कर पाऊंगा। मैं ये बता सकता हूं कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप ना इन सब भ्रांतियों से दूर हो जाइए, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, बाजार गिरेगा बाजार बढ़ेगा, आपने बहुत ज्यादा चार्ट की स्टडी कर ली, आपने देख लिया भाई सब कुछ ठीक है, आपने बाय कर लिया। अब आपके बाय करने के बाद जो चीज आपको दिख रही है वो तो और 5,000-10,000-50,000 लोगों को भी दिख रही है। फंडामेंटल के अंदर में एक प्रॉब्लम ये देखने को मिलती है कि कंपनी बहुत सुंदर दिख रही है, कंपनी के प्रॉफिट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। सत्यम का उदाहरण सबके सामने है, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के उदाहरण सबके सामने हैं, लेकिन अचानक एक रात ऐसी आती है कि जब उस कंपनी के इनसाइडर्स पता चलने लगते हैं और उसी समय से उस कंपनी का जो डाउनफॉल है वो शुरू हो जाता है। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसी पॉडकास्ट में आपके उसमें ही कहा कि अगर कोई चीज हमने 400 पे ली और वो अगले दिन ही 300 पे आ गई तो मेरे को काट के निकलना है, दूर भागना है उससे, क्योंकि उसके फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम हो गई। ठीक है जी। दूसरा मैंने अभी बोला कि मुझे नहीं पता कि जो मेरी रिसर्च है वो ठीक है या नहीं है, जो मुझे दिख रहा है वो और 50,000 लोगों लाख लोगों को भी दिख रहा है, तो क्यों ना मैं उसको हेज कर दूं एक ऑप्शन उसके सामने खरीद के कोई, जिससे कि मेरा लॉस सीमित हो जाए। सुरेश जी आज की तारीख में मैं चाहे 5 लाख का ट्रेड लूं या 5 करोड़ का ट्रेड लूं, मेरे को ट्रेड लेने से पहले ये पता होता है कि मार्केट मुझसे क्या ले सकती है, मैं मार्केट से क्या लूंगा, ये तो भाई सब मार्केट के ऊपर है कि ये 2 रुपए चलेगा यहां से या 100 रुपए चलेगा या 5,000 चलेगा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मार्केट को क्या देना है ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होता है। आप अपनी ऑडियंस से पूछिए कितने लोगों को ये पता होता है कि ट्रेड में मार्केट जीरो भी हो जाए तो मेरा कितना लॉस है। यानी आपने एक ऐसा सेट सिस्टम बनाया है जिसमें कि उस सिस्टम को बोलते हैं हेज करना, और उस हेजिंग के माध्यम से हम लोग जो है अपना लॉस फिक्स करके ट्रेड लेते हैं। दीपक जी, इन दिनों के अंदर में हम ये देख रहे हैं, जैसे अभी पहले भी मैंने इस टॉपिक को छेड़ा कि सोशल मीडिया के ऊपर आप देखिए कि 3 दिन में आपको शेयर बाजार खेलना सिखा देंगे, कैसे वहां से पैसा कमाना है, सब फ्रॉड है जी, इसका एक ही वर्ड है, फ्रॉड तो है, बचा कैसे जाया जाए? क्योंकि अभी आपने कहा कि ग्रीड, ग्रीड सभी के पास है, रातों रात सभी को अमीर बनना है। देखिए अब हम लोग जो है आपके माध्यम से या किसी के भी माध्यम से ये लोगों को बता सकते हैं कि फ्रॉड है। देखिए सरकार भी जगह जगह कह रही है कि आप किसी भी ऐसी पोंजी स्कीम से बचें जो आपको बड़े पैसे देने का उलाहना दे, लेकिन फिर भी लोग फंस जाते हैं। फॉरेक्स सारी दुनिया को पता है कि नंबर 2 का काम है, काम सही नहीं है, इसमें पैसा नहीं बन सकता, पैसा बन भी जाएगा तो वापस नहीं आ सकता, फिर भी लोग कर रहे हैं। अब आपने कई दफा सुना होगा ऐसे कि बिटकॉइन हमें दे दो और हम आपका डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे। अरे भाई ये चीजें क्या सिर्फ उसी आदमी के पास भ्रम ज्ञान हुआ है? मुकेश अंबानी को नहीं पता, अडानी को नहीं पता, वो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतने लाखों करोड़ रुपए पहले वो लगा के इन्वेस्ट करके कंपनी डालते हैं और फिर उस पर रिटर्न आती है 15-16-18-20-24% तक, क्या उन्हें नहीं पता कि उनका पैसा डबल हो सकता है? तो फिर तो मैं ये कहूंगा बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मूर्ख हैं, बिल्कुल, जो इतनी लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपना धंधा चला रहे हैं, इतनी टीम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अरे भाई उसे ही पैसा दे दो जिसके पास 1 लाख करोड़ है, अगले दिन 2 लाख करोड़ ले लो।
डबल हो गई इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो ये आदमी को समझना पड़ेगा कि भाई साहब पैसा कमाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अगर सबसे आसान होता तो कोई आदमी गरीब नहीं होता। हर आदमी आज तू नंबर वन है तो कल देख मैं हो गया, परसों कोई और हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें काफी मशक्कत करना पड़ेगी। मैं एक छोटा सा रैपिड फायर अभी जी इसमें सेशन में ले रहा हूं, इसका जल्दी जल्दी से बहुत जल्दी जल्दी जवाब दे। शेयर बाजार में पैसा कमाना आसान है? नहीं। शेयर बाजार लॉन्ग टर्म गेम या शॉर्ट टर्म गेम? आपके ऊपर है कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या ट्रेडिंग कर रहे हैं। इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म है। शेयर बाजार में मैक्सिमम कंपनियों के शेयर ऑपरेट किए जाते हैं? गलतफहमी है। इंडेक्स में पैसा लगाया जाए या कंपनी स्क्रिप्ट्स पर? सेफ एंड साउंड चलना है तो इंडेक्स, और रिस्क लेना है तो कंपनीज पर। मोदी सरकार की मेजोरिटी में अब थर्ड टर्म में सरकार नहीं बनी, तो 3 साल में क्या आपको लगता है सेंसेक्स 1 लाख पार करेगा? ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें नहीं पता, लेकिन इंडिया की ग्रोथ स्टोरी देखेंगे तो हाँ जरूर करेगा। थोड़ा सा डिप्लोमेटिक जवाब है ये, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना। अच्छा, शेयर बाजार में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पेशेंस, डिसिप्लिन। शेयर बाजार में ऑप्शंस अच्छा या कैश मार्केट, जिसका आपको ज्ञान हो? शेयर बाजार में रिटेल निवेशक होता है और बड़ा जो निवेशक है वो लेकर के चला जाता है, वही कमाता है। गलतफहमी है, रिटेलर भी कमाता है, लेकिन कौन सा रिटेलर कमाता है? जो पेशेंस के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके बैठता है, राइट टाइम पे राइट डिसीजन एंड राइट इन्वेस्टमेंट। स्कूल के बच्चों को और विदेश जो बच्चे जाते हैं, इस पे मैं अभी डिटेल में चर्चा करूंगा, लेकिन क्योंकि रैपिड फायर है, जो विदेश बच्चे जा रहे हैं उनको वहां पर जाने से पहले शेयर मार्केट सीख करके जाना चाहिए ताकि वहां पे वो अपने खुद की अर्निंग्स कर सके? शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो मैं समझता हूं कि 8वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमारे स्कूलों में भी। क्योंकि देखिए क्या है, 8वीं से आप 12वीं तक पढ़ाएंगे, बच्चे अपने आप सक्षम हो जाएंगे, इंप्लॉयमेंट का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। 50,000 से भी आदमी शेयर मार्केट में ट्रेड करके अपने लिए रोजी रोटी कमा सकता है। तो अगर कहीं कोई सरकार इसे सुन रही है या किसी के पास ये आवाज मेरी पहुंच रही है, तो आप लोगों को एजुकेट करें 8th क्लास से या 9th क्लास से स्टॉक मार्केट के बारे में, ताकि जब बच्चा 12वीं कर सके और 18 साल का जब हो जाए वो ग्रेजुएशन करते करते, उसके बाद उसे इंप्लॉयमेंट के लिए दरबदर ना भटकना पड़े। अगर उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा तो इंप्लॉयमेंट एज शेयर मार्केट वो ले। शेयर बाजार में आदमी को इमोशंस मारते हैं, ग्रीड मारती है जी, इमोशंस, ग्रीड, होप, बस यही मारता है। अब इसके अंदर में जैसे अभी आपने कहा कि स्कूलों के अंदर में ये कुरिकुलम होना चाहिए जी, निश्चित तौर के ऊपर पे एक इन्वेस्टमेंट और एक फाइनेंस रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो आनी चाहिए। देखिए सुरेश जी, बदल रहा है, मैं बताता हूं आपको, हमारे स्कूलों में हम पढ़ रहे हैं कि बाबर ने क्या किया, चंगेज खान आया उसने क्या किया, जिसका की हिस्ट्री पढ़ के अब हमें उसका कोई लॉजिक, मैंने उस हिस्ट्री को अपनी लाइफ में कहीं यूज नहीं किया। कॉस थीटा साइन थीटा ये हम पढ़ते हैं, मैंने अपनी लाइफ में उसे कहीं यूज नहीं किया। लेकिन क्या हमारे स्कूलों में ये पढ़ाया जाए कि पर्सनल फाइनेंस में हर आदमी को, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, कुछ है, उसे 500 रुपए 200 रुपए हर महीने निवेश करके म्यूचुअल फंड में डाले जाएं? क्योंकि म्यूचुअल फंड में जिन लोगों ने 5,000 रुपए आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले की सिप की थी, आज वो करोड़ों का कॉर्पस है। 5,000 या मैं कहता हूं चलो 5,000 भी नहीं, 500 रुपए तो एक ऐसी रकम है जो हर फैमिली का, हर बच्चा, हर कोई डाल सकता है। वो 20 साल डाले उसको एक अपने आप कॉर्पस मिलेगा, उस कॉर्पस से वो कुछ काम शुरू कर सकता है, कोई दुकान शुरू कर सकता है, या उसको ट्रेडिंग के लिए एक ऑटोमेटिक फंड मिल गया, अपना कोई स्टार्टअप कर सकता है। दीपक जी, जो आपने बात कही के स्कूलों के अंदर में इसको कुरिकुलम में शामिल करना चाहिए, स्टॉक मार्केट ना करें तो एटलीस्ट पर्सनल फाइनेंस या सेविंग या गुल्लक या कुछ भी एक ऐसी सेविंग की। देखिए अगर किसी ने 15 साल या 20 साल 500-500 रुपए डाले म्यूचुअल फंड में, तो आज वो 20-25 लाख का कॉर्पस बन जाता है। ठीक है, तो क्योंकि
कंपाउंडिंग उसमें मदद करती है, आपका कॉर्पस हर साल बढ़ रहा है। तो अगर वो कॉर्पस एक बच्चे को मिल जाए 18 से 20 या 24 साल की उम्र में, जिसमें कि 20-25 लाख है या करोड़ रुपया है, या जो लोग ज्यादा डाल सकते हैं 10,000 डाल सकते हैं, तो उस बच्चे को ना तो कहीं बैंक के धक्के खाने, ना किसी के आगे हाथ फैलाना, ट्रेडिंग की कैपिटल उसकी रेडी है, कोई उसे स्टार्टअप करना है कैपिटल रेडी है, दुकान खोलनी है कैपिटल रेडी है, टैक्सी चलानी है कैपिटल रेडी, कुछ भी करना है कैपिटल इज रेडी। और एक बार यदि आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपके पास 2-5 करोड़ हो गए, तो फिर तो वो पैसा अपने आप को ही मल्टीप्लाई करता रहता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी क्या है कि आपके पास 4-5 करोड़ का कॉर्पस हो गया, आप इसे लिक्विड फंड में डाल दीजिए, लिक्विड फंड इज लाइक एफडी, जिसमें आपको 5-6% का ब्याज मिलता है। ठीक है जी, आपने वो पैसा 5 करोड़ लिक्विड फंड में डाल दिया, उस लिक्विड फंड के अगेंस्ट में आपको लिमिट मिल गई, ब्रोकर देता है, सब मैं जो बात कह रहा हूँ ये ऑफिशियल है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लेजिटिमेट नहीं है, हर ब्रोकर आपको उसके अगेंस्ट में लिमिट देता है। ठीक है, अब आपको वो लिमिट मिल गई, 5 करोड़ के सामने मैं कहता हूँ कुछ 4.5 करोड़ या 4 मल्टीप्लाई 2 टाइम्स 3 टाइम्स नहीं, मल्टीप्लाई 0.9। अच्छा, मल्टीप्लाई 0.9, हाँ ओके। ठीक है जी, तो वो आपको लिमिट मिल गई। अब आपके पास 4.5 करोड़ की लिमिट है, तो एक अगर आपने 6% लॉस ले लिया तो आपका कैपिटल मरेगा नहीं, क्योंकि आपको लिक्विड फंड उतना पैसा दे रहा है। तो आप एक तो 6% अपनी कैपिटल से हेज हो गए, दूसरा अगर आपने बिल्कुल सही ट्रेड किया और आपने 1-2% कमा लिए, तो 24% आपने खुद कमा लिए, 6% वहां से आ गए, 30% की रिटर्न आ गई। 30% ना तो कोई आपको म्यूचुअल फंड देता है, ना कोई बिजनेस देता है, शांति से बैठे बैठे आपने एसी में बिल्कुल ठंडे ठंडे में काम कर लिया। लेकिन एक चैलेंज है, चैलेंज है आप बहुत तेजी के साथ में, जो जिसके पास में अच्छा पैसा है, बड़े ब्रोकिंग हाउसेस, उनके पास अच्छा पैसा है, अच्छी लिक्विड है, वो एल्गो ट्रेडिंग की तरफ पे मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, जो छोटा ट्रेडर है, जितनी देर के अंदर में वो अपना सौदा डालेगा, उतनी देर के अंदर में उसका जो सिस्टम है, उसका जो मैकेनिज्म है, 20 टाइम्स वो सौदा कर चुका होगा, तो उसको कैसे मीट आउट किया जाएगा? देखिए, छोटा जो ट्रेडर है, आज आप वोलेटिलिटी को समझे, वोलेटिलिटी क्या है? जैसे हम मानते हैं हमारा निफ्टी 100 पे है या बैंक निफ्टी 100 पे है, तो ऑपरेटर या प्रो अकाउंट या बड़ा एफआईआई डीआईआई जो भी, जिसको भी आप रेफर कर रहे हैं, वो क्या करेगा? वो पहले 105 ले जाएगा, फिर 95 लाएगा, फिर 120 ले जाएगा, फिर 190 लाएगा, फिर वो जीरो तो ले नहीं जाएगा ना, 100 का 200 हो जाएगा। आप जिस भी डायरेक्शन में बैठे हैं, आप हेज बैठिए, आप जाने दीजिए बाजार को जहां जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि आई डोंट सी मार्केट कहां जाएगी या किधर जाएगी, मेरा मतलब नहीं है। मेरी पोजीशन ऐसी है कि मार्केट जीरो हो जाए या हीरो हो जाए, मेरा इतना जाएगा इतना आएगा, बस खत्म। मेरे को आई शुड बी फोकस्ड ऑन व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन ये पुट एंड कॉल जो है, हाँ जी, ये आपको ऑप्शंस में मिलती है जी। अब ऑप्शंस को जानने वाले और उसमें ट्रेड करने वाले तो सीखना जरूरी है सर। मैं यही तो अपना जो चर्चा शुरू हुई वहां से अब तक, या मेरे जो लोग और भी पॉडकास्ट देखते हैं, लेकिन जो लोग अभी देख रहे हैं, उनमें से हर एक कोई दीपक वाधवानी बन सकता ना जी? सर, उसके लिए उसे सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए यूट्यूब से लेके देयर आर सो मेनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स जहां से आप सीख सकते हैं, किताबें अवेलेबल हैं। ऑप्शन बाइबल, बाइबल ऑफ ऑप्शंस करके एक किताब है, जिसमें ऑप्शन की पूरी वो है। अगर किसी को चाहिए वो मुझे मैसेज करें, मैं भी उसको दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वो किताब अवेलेबल है मेरे पास। तो आप इस चीज को समझे कि एजुकेशन के बगैर आप अगर कूद रहे हैं, अब आप स्विमिंग पूल में बगैर स्विमिंग सीखे कूद जाएंगे तो डूब के मरना ही है ना। दीपक जी, डब्बा ट्रेडिंग हम देखते हैं, टर्मिनल पे शेयर्स ट्रेड नहीं होते, एक ग्रे मार्केट है जी, बहुत बड़ा ग्रे मार्केट है। उस ग्रे मार्केट के अंदर में, जहां तक मेरे पास जानकारी है, शायद जो काम टर्मिनल्स के ऊपर जितने वॉल्यूम के अंदर में प्रतिदिन होता है, उससे कई गुना ज्यादा उस ग्रे मार्केट के अंदर में होता है। हालांकि जो सेबी है, गवर्नमेंट है, उन्होंने काफी कोशिश की, लेकिन ये ग्रे मार्केट कभी वाइप आउट नहीं कर पाए। इसको किस नजर से देखते हैं? बल्कि जो ग्रे मार्केट है वो और ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूज करके उन्होंने अपनी खुद की भी एप्स डेवलप कर दी है। देखिए सर, मैं ना एक बहुत
अजीब सी बात आपसे कहूंगा तो आप हंसेंगे। आप कल एक बुक शुरू कर दीजिए अपनी डब्बे की, अभी आप न्यूज चैनल चला रहे हैं, कल आप कई न्यूज चैनल खरीद के टेक ओवर करने लायक बन जाएंगे। उसकी वजह क्या है? बुक चलाने से मतलब क्या? यही बुक का मतलब, डब्बा वाला क्या कर रहा है? आपने कहा मेरा सौदा 100 में ले लेना, उसने लिख लिया। आपने कहा 80 में काट देना, उसने लिख लिया। 20 रुपए का वो आपसे डिफरेंस ले लेगा। अब यही चीज वो ऐप के थ्रू कर रहा है, यही चीज वैसे कर रहा है, यही तो डब्बा है। जी जी जी। डब्बे का क्या मतलब है कि सौदा आपका वही लग रहा है जो प्राइस चल रहा है, लेकिन आपका सौदा एक्सचेंज में नहीं उतर रहा। जो वो बुक है या ऐप है या जो भी है वो वहीं तक ही सीमित है, इसी को डब्बा बोलते हैं। अब डब्बा क्यों चल रहा है? क्योंकि डब्बे वाले को भी ये पता है, सेबी भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, अखबारों में भी आ रहा है, हमारा ब्रोकर भी बोल रहा है। जैसे ही हम लॉग इन करते हैं ब्रोकर हमें एक वार्निंग देता है कि भैया ट्रेड कर रहे हो 90% लोग लॉस में है। तो ये तो डब्बे वाले को भी पता है ना। अगर 90% लोग लॉस में है तो उसे तो पता ही है कि भाई साहब आप उसे पैसा दे के ही जाने वाले हो ना। बिल्कुल। आपने वहां अकाउंट खुलाया, आपने 1-2 लाख जो भी डब्बे से शुरू करा, ठीक है जी, अल्टीमेटली तो आप लॉस में ही रहने वाले हो, क्योंकि ये तो से भी बोल रहा है 90% लोग लॉस में है और वो उस चीज का फायदा उठा रहा है। तो उसने कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ आपको एक ऐप बना के दे दी या उसने फोन पे जो आप बता रहे हैं। तो सूनर और लेटर आप, हो सकता है 4 ट्रेड आपके प्रॉफिट में भी चले जाए, लेकिन अल्टीमेटली 90% लोग लॉस में ही है ना। लॉस में ही है। तो अल्टीमेटली आपका पैसा सारा उसके पास जाना ही जाना है, तो वो तो बड़ा निश्चिंत है जी, वो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्सचेंज भी कल को वो ओन कर सकता है। यानी कि जो बुकी का जो काम है जी, जिसको अपन साधारण से भाषा के अंदर बुकी बोल देते जी, जो सौदे लिखता है जी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो एक किस्म का वो अनऑर्गेनाइज्ड एक कैसीनो चल रहा है। बिल्कुल। जिसमें ट्रेडर जाता है, ट्रेड करता है, उसको पता है कि शायद यहां से लॉस करके जाएगा, तो जब उसने पैसा ही देना है तो सरकार को क्यों नहीं दे देता? सर ये मानसिकता मुझे भी आज तक समझ नहीं आई। शायद इसलिए वो ये करता है क्योंकि ब्रोकरेज और टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वो उससे बचता है कहीं ना कहीं, या इस बात से बचता है कि भाई उसके पास लिक्विड है, कैश है, कैश हो सकता है उसके पास कैश हो तो, और वो इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, ये भी एक कारण हो सकता है। मतलब मैं नहीं समझ पा रहा कि लोग क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि एक तरफ तो डीमोनेटाइजेशन हुआ तो मोदी जी और सब सरकार कह रही है कि कैश जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, सबको पता है, सारा बुक्स में अकाउंटेड है, तो फिर लोगों के पास कैश कहां से आ गया? तो मैं फिर वही कहूंगा कि मैं आई एम टू स्मॉल टू आंसर एंड कमेंट ऑन दिस, मैं नहीं इस पे समझ पाऊंगा। लेकिन हाँ मैं ये कहूंगा, फॉरेक्स हुआ, डब्बा हुआ या अनऑर्गेनाइज्ड ब्रोकर हुए, इनसे बचें, अच्छे ब्रोकरों के साथ अकाउंट खोलें। लॉस या प्रॉफिट जो होना है वो तो अपनी किस्मत है और आपकी एजुकेशन है या आपका डिसिप्लिन है, लेकिन इस तरह की फ्रॉड प्रैक्टिस से बचें। मैं इस चीज के साथ हूं। किस्मत भी काम करती है इसमें? किस्मत भी कहीं ना कहीं काम करती है जी। कितने प्रतिशत किस्मत को समझे? किस्मत को समझे, देखिए जब मैं बहुत परेशान था तो मैं कई पंडितों के पास गया कि पंडित जी, तो सबने मुझसे कहा जुए सट्टे में तो तू कमा ही नहीं सकता। तो मैं समझ गया कि पंडित की नॉलेज भी जो है बड़ी सीमित है। अगर उसके इतनी ही नॉलेज होती तो आज जो उपाय वो मुझे बता रहा है वो खुद भी कर सकता होता। बिल्कुल। खैर मजाक की बात अलग, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए आप किस लेवल तक बढ़ेंगे, कितना आपका पैसा आएगा, कितना आपकी योग में पैसा है, वो सब चीजें कहीं आपका प्रारब्ध तो है ही ना, उसमें डिसाइड होता ही है। तो अगर आपके पास पैसा आना है तो वो स्टॉक मार्केट से भी आ सकता है, और अगर जाना है तो स्टॉक मार्केट में चला भी जाएगा, चला भी जाएगा। जो टाइम की आप बात कर रहे हैं वो समय कैसा था आपका, वो टाइम कैसा गया? देखिए मैंने अपनी फैक्ट्री बंद की थी तो मैं परिपूर्ण पैसा था मेरे पास पैसे की कभी कोई कमी नहीं रही, क्योंकि मेरे पिताजी बिजनेस कर रहे थे। मैं जब क्लास 10th में था तो मैंने ज्वाइन कर लिया, और मैंने जिंदगी में वो सुख और वैभव देखा है जो लोग, जिसका कल्पना भी नहीं कर सकते जी। तो इट वॉज ए वंडरफुल टाइम। फिर जब एकदम टाइम बहुत नीचा आया और बहुत मतलब मैं स्ट्रगल करने लगा, लेकिन हाँ प्रभु का धन्यवाद, मैं उस वक्त भी कहूंगा कि मेरा परिवार मेरे साथ था, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे पिताजी सब मुझे सपोर्ट करते थे, और प्रभु ने रोटी देते रहा, मतलब मैं इस चीज का शुक्राना जितना करूं उतना कम है।
हालांकि मैं डिप्रेशन में आ गया, मैं सुसाइड करने की सोचने लगा, मैं बहुत नेगेटिव हो गया था उस टाइम में, लेकिन फिर मैंने यही तब हुआ जब आपने शेयर बाजार में नया नया कदम रखा। 2015 से 2018 तक की बता रहा हूँ जी मैं आपको, 18 से 19 तक की, मतलब तब आप शेयर बाजार में कदम रख चुके। कदम रख चुका था जी। अच्छा। और मैं बर्बाद भी हो चुका था। अच्छा अच्छा। लेकिन फिर मैं, क्योंकि आप यकीन माने मैं डिप्रेशन में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ हूँ और मैं वहां भी यही सोच रहा हूँ कि मेरा पैसा किसके पास गया। और मैं सही बता रहा हूँ कि अगर आदमी ठान ले कि मुझे पैसा कमाना है और हेज करके ट्रेड लगाए, हो सकता है कि वो थोड़ा कम कमाए लेकिन वो प्रॉफिट में उठेगा उठेगा उठेगा। मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ और मैं इसका बिल्कुल अभी ताजा ताजा आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अगर कोई आदमी, 4 जून को हमने देखा एक बहुत बड़ी फॉल आई, निफ्टी ऑलमोस्ट 10% तक गिर गया था। बिल्कुल। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अगर हमने 23,000, उस दिन 23,000 कुछ था फ्यूचर निफ्टी का जी, ये आप दो दिन पहले, तीन दिन पहले की, आज हमारी 7 ही तक, कौन सी तारीख है जी आज, ये आप 10 तारीख है आज, हम 4 तारीख की बातें कर रहे हैं। आप उसकी उस दिन की बात कर रहे हैं जब एग्जिट पोल्स आने लगे थे, यानी 1 और 2 तारीख की बात। जी जी। नहीं नहीं, मैं 4 जून की बात कर रहा हूँ जिस दिन मार्केट में बहुत बड़ा फॉल आया था। ये 2 जून की बात है जिस दिन एग्जिट पोल आए थे। मार्केट 4 जून को गिरा था, तब तक तो रिवाइव कर गया था वापस। नहीं नहीं, 4 जून को गिरा था मार्केट। ठीक है, तो हम हाइपोथेटिकल कंडीशन लेके चलते हैं कि उससे पहले फ्राइडे के दिन लोगों ने एक पुट बाय करी निफ्टी की 23,000 की और एक फ्यूचर बाय करा। अब 1500 पॉइंट निफ्टी नीचे आई, पुट का सहारा था आपको, आपका लॉस जरूर हुआ होगा, मैं ये नहीं कहूंगा लॉस नहीं हुआ होगा। अगर आप उसमें पुट में होते और हेज होते तो आप उस पोजीशन को पकड़ के बैठे होते। जब आप उस पोजीशन को पकड़ के बैठे होते तो आज हम उससे ऊपर हैं, आप लॉस की जगह प्रॉफिट में आज एग्जिट कर सकते थे। आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो निफ्टी 23,400 के आसपास चल रही है, यानी कि रिकॉर्ड हाई पे चल रही है। तो कितना ही बड़ा फॉल आ जाए, अगर आप हेज पोजीशन में बैठे हैं, यानी कि मुझे ये पता है कि मुझे बाजार को क्या देना है, बाजार मुझे क्या देगा ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर मेरा लॉस सीमित है तो मैं कितनी ही बड़ी जंग हो, कितनी ही बड़ी कैपिटल हो, मेरे पास 1,00,000 हो या मेरे पास 5 करोड़ हो, मैं उस पर ट्रेड लेने से नहीं डरूंगा क्योंकि मुझे ये पता है कि मुझे बाजार को क्या देना है। टेक्निकल चार्ट्स भी फॉलो करते हैं जी? मैं टेक्निकल भी फॉलो करता हूँ। टेक्निकल इंट्राडे के लिए फॉलो करते हैं या लॉन्ग टर्म? मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई आदमी किसी भी स्टॉक में घुसा, हमने कहा वो 100 रुपए का है, आप उसका डेली चार्ट लगा लीजिए, अगर उसमें आपको 2 दिन का लो कट के वो नीचे बंद हो रहा है तो आप उस स्टॉक से निकल जाइए। जब वो 2 दिन के हाई के ऊपर बंद होगा आप बने रहिए, आपको देखेंगे कि बाजार में बहुत अच्छी रैली मिलेगी, लॉस कम मिलेंगे, रैली बड़ी मिलेगी। लेकिन अगर मैं इसी तरीके से अगर एक स्क्रिप्ट का एक उदाहरण ले लूं जी, क्योंकि अभी हमने पिछले 4-5 महीने के अंदर में 2-3 ऐसे स्क्रिप्ट्स देखी जिसके बीच के अंदर में बड़ी तेजी एक देखने को मिली, एक तरफा रैली देखने को मिली और फिर उसके बाद में एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला। मैं बात कर रहा हूँ बालाजी टेलीफिल्म्स की, मैं बात कर रहा हूँ सर्वेश्वर फूड्स की। अगर इन 2 स्क्रिप्ट्स का अगर उदाहरण देखें, सुरेश जी मैंने जो बात बोली बिल्कुल यहाँ पे वो चीज होगी, आप अपनी ऑडियंस को चार्ट दिखाइएगा। जब भी बाजार ने कोई रैली करनी है तो उसे पिछले 2 दिन का हाई काट के ही रैली करेगा। ठीक है, अगर आप पिछले 2 दिन के किसी, पहले सबसे पहले तो देखिए चार्ट सिलेक्शन कैसे होता है। मैं अपना एक मूड बनाता हूं कि मुझे ये स्टॉक में घुसना है, वो किस बेसिस पे होता है, या तो मैं कहीं से सुन सुना के आ गया, या मेरे को किसी न्यूज एंकर से सुन लिया मैंने, या कोई किताब विताब या आउटलुक, ये वो कई मैगजीन्स है, मिंट है, जो भी है, या मनी कंट्रोल है, कहीं मैंने वो स्टॉक का, मतलब मैंने 7200-7500 जो कंपनियां उनमें से एक स्टॉक मेरी नजर में आ गया बालाजी टेलीफिल्म किसी भी XYZ जी। अब मेरा क्या काम है, सबसे पहले मैं उसके फंडामेंटल देखूंगा कि भाई उसके प्रमोटर कौन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है, कोई न्यूज तो नहीं है, जो कि मनी कंट्रोल पे अधिकतर न्यूज लोगों को मिल जाती है। अब अगर मेरे पैरामीटर्स पे उतरता है तो मुझे कैसे, फिर अब मैं आऊंगा चार्ट्स पे, अब मुझे कैसे बाय करना है। अगर कोई लो ट्रेंड पे है तो मैं बाय नहीं करूंगा जब तक कि वो पिछले 2 दिन के हाई के ऊपर बंद नहीं होगा।
अगर किसी चार्ट को ऊपर जाना है तो उसे पिछला लो तो मतलब पिछला हाई तो काट के ही ऊपर जाएगा ना, ऊपर जाएगा मतलब पिछला ये हाई है और उसे अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ बंद होएगा, फिर यहाँ बंद होएगा, यहाँ बंद होएगा तो मैं उस पर बाय बनाऊंगा पिछले दो दिन के लो का एसएल लेके। ओके, अब ये चार्ट पे कितना टेक्निकली आसान हो गया, दो दिन की कैंडल देखिए इसके ऊपर है तो बाय है, इसके नीचे है तो सेल करूंगा। अब अगर मैं घुस गया बाजार चला चला चला, वो बहुत तेज ऊपर चला गया, कहीं से वो पलटा, जैसे ही उसने दो दिन का लो काटा मैं निकल गया, मुझे अपने आप टारगेट भी पता लग गया, अपने आप वो भी लग गया। ठीक है जी, अब मेरी फंडामेंटल स्टडी सब अलग हो गई, सिर्फ टेक्निकल ने मुझे ये बता दिया कि दो दिन के चार्ट के ऊपर जो चीज चल रही है मुझे वो वहां तक राइड करना है जब तक ये दो दिन का चलता रहेगा। और आसान कर देता हूं लोगों के लिए, 10 EMA लगा लीजिए, 20 EMA लगा लीजिए, 5 EMA लगा लीजिए, 9 EMA लगा लीजिए, एक लाइन होती है जो कैंडल स्टिक के नीचे लग जाती है, जैसे ही उस कैंडल स्टिक ने उस लाइन के नीचे क्लोजिंग दी अब बंद कर दीजिए। बहुत आसान है। अगर कोई अपने आप को इसलिए एडमेंट कर ले कि जी मैं तो जब तक अपनी आंखों पे विश्वास नहीं करूंगा, बहुत आसान है। जो ये बाजार 4 जून को गिरा है, इससे पहले जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, मैंने उससे पहले बोला है स्टे लाइट स्टे हेज। मेरी उससे पहले वो आई थी, मेरा इंस्टा हैंडल है deepakwadhwa.official और यही मेरा यूट्यूब हैंडल भी है। अच्छा, आप उस पे जाके मेरी पुरानी रील्स को देखें, मैंने 4 जून से पहले ये बात बोली है स्टे लाइट स्टे हेज। क्यों बोली है, इसके पीछे कारण है। आप कई साल का डेटा उठा के देखिए, FIIs जो है वो 3 लाख इंडेक्स में शॉर्ट गए हैं। तो जब वो इतनी मोटी पोजीशन लेके गए हैं तो बाजार गिरेगा ही गिरेगा, हम डेटा का सहारा क्यों नहीं ले रहे। हम आपस में पूछ रहे हैं सुरेश जी आपने क्या किया, दीपक जी आपने क्या किया, रामलाल आपने क्या किया, जो मार्केट मूवर्स हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, जो मार्केट को चला सकते हैं, जिनके पास इतना पर्याप्त धन है कि वो मार्केट को हिला सकते हैं, हम उनकी पोजीशन को क्यों नहीं फॉलो कर रहे। तो अनअवेयरनेस जो है मार्केट में, सबसे पहले फंडामेंटल, उसके बाद टेक्निकल, उसके बाद डेटा। जो आदमी इन तीनों का सहारा लेना सीख गया उसको मार्केट नहीं निकाल सकता बाजार से बाहर। अभी SME सेगमेंट इसमें जी काफी फ्लरिश कर रहा है जी, SME सेगमेंट में पैसा लगाना सुरक्षित है अगर आपके पास स्टडी है कि ये कंपनी क्या प्रोडक्ट बना रही है और वो प्रोडक्ट मार्केट फिट है, तो SME से बढ़िया धंधा कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि दे आर इमर्जिंग कंपनीज, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को SME कहा जाता है, यानी कि ये स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनी है। इनको अपनी कैपिटल बढ़ानी है, ये लोग अभी मेन बोर्ड में आएंगे, इनका बिजनेस मॉडल अगर अच्छा है तो मार्केट इनको वो मतलब रिस्पेक्ट करेगी, इनके प्रोडक्ट को, इनकी प्रोफाइल को, इनके सब चीजों को। लेकिन ये इक्वली रिस्की भी है, यहाँ पैसा जीरो भी हो सकता है। तो नए लोगों के लिए इट इज ए बिग नो, लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है, अगर आप 2-5 करोड़ से कर रहे हैं एक SME ले लीजिए, अगर वो 5 लाख डूब भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कोई भी लॉस जो होना चाहिए वो आपकी कैपिटल का 2-5% से बड़ा नहीं होना चाहिए, कैलकुलेटिव लॉस होना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क जिसे हम बोलते हैं वो होना चाहिए। किसी भी ट्रेड में जैसे मैंने कहा हेज करो, तो किसी भी ट्रेड में आपका लॉस किसी भी हालत में 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा आप एग्रेसिव प्लेयर हैं 10%, अगर मैं पूरे साल में कमाता ही 20-24% या 18% हूं तो 10% अगर मैंने लॉस लिया तो बाकी का जो मैं कमाऊंगा उससे मैं अपनी कैपिटल पूरी कर लूंगा। तो मुझे अपनी, जब तक आप कैपिटल पे अपनी सेफ रहेंगे, आप अपनी बस कैपिटल को प्रोटेक्शन करते जाइए, मार्केट पैसा घर आके दे के जाएगा। मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, शेयर बाजार में सबसे ज्यादा विश्वास किस पे किया जाए, अपने आप पे और अपनी नजर पे, अपने आप पर और अपनी नजर पर। जी, अगर मुझे दिख रहा है चार्ट नीचे जा रहा है तो कोई कितना ही बड़ा ट्रेड एनालिस्ट बोले, चाहे दीपक वाधवा बोले या सुरेश जी बोले, मैं नहीं लूंगा जब तक कि मेरी कैंडलस्टिक पैटर्न मुझे ये नहीं बोलेगी कि हाँ अब ये हायर हाईज बना रहा है और मेरे को ये पैसा दे सकता है। मैं नहीं घुसता किसी भी उस चीज में जहां पे मुझे लग रहा है कि चार्ट तो बोल नहीं रहा, कोई और बोल रहा है, तो भाई मैं क्यों घुसूं।
जब चार्ट बोलेगा, जब चार्ट हमें सब चीज दिखा रहा है, एवरीथिंग इज फैक्टर्ड इन, तो मैं उस चीज पे ट्रस्ट ना करके किसी और की बात पे ट्रस्ट करूं क्यों? क्योंकि मेरे तो वो सेब भाई साहब जो मैं 1000-10000 के बेचना चाहता हूँ, आज तक मुझे बायर नहीं मिला उनका कोई। 5 साल से मैं लेके घूम रहा हूँ बाजार में सेब। हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी आपको 10000 रुपए का बायर मिल जाए। तो दीपक जी, आप हमारे द पॉइंट ऑफ व्यू पॉडकास्ट में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। यानी कि यहाँ पर एक बात साफ होती है कि आपको रिसर्च रिसर्च और रिसर्च, इस पर बड़ा फोकस करना है, अपने आप पर विश्वास करना है। और साथ ही इस पॉडकास्ट में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात निकल करके आई, वो ये निकल करके आई कि पैसा कमाना आसान नहीं है, चाहे वो कोई भी कारोबार है, चाहे शेयर बाजार है, इसमें भी उतनी ही शिद्दत के साथ में आपको फुल टाइम जोबर बन करके इस पर उतरना पड़ेगा। कहीं सुनाई बातों के बीच के अंदर में नहीं आना होगा, और आप वाकई में शेयर बाजार से अगर दोस्ती करना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो उस शेयर बाजार को पहले समझना जरूरी है। बिना समझे आप शेयर बाजार से पैसा नहीं कमा सकते, और समझने के लिए आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, दीपक वाधवा जी जैसे एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ेगी, उनके सानिध्य में जाना पड़ेगा, उनसे कुछ ना कुछ इसी तरीके का गुरु ज्ञान लेना पड़ेगा, शेयर बाजार की इनसाइडर जाननी पड़ेगी, तभी आप पैसा कमा सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे नए पॉडकास्ट के साथ, तब तक विदा दीजिए।